सिर्फ अपने लिए काम करते हैं ना, वो देश के लिए गाते हैं। ये बताए ना, ये देशभक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त है। अगर ये सरकार चाहती तो आज इन सारी चीज़ें मिल चुकी होती। डॉक्टर रितु अपनी जगह पे होती और उनको न्याय मिलकर जो उन्होंने गलत किया वो कोर्ट जेल के अंदर होते। लेकिन ये कोर्ट सरकार खुद नहीं जा रही है, सरकार तो खुद इस पर राजनीति कर रही है। सपोज चाइना और ताइवान से होता तो ये न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। आज इसराइल और फिलिस्तीन से हो रहा है ना, तो इसमें क्या इनको बांटने का काम होता। आज विकास का नाम कोरे का आप पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर देंगे, आप विकास का नाम करेंगे हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वविद्यालय में। यहाँ पे डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रोटेस्ट है वो तकरीबन 2 महीने से चल रहा है, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उसको। आज उस पर एक रैली निकाली गई थी और ये भी यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। इनका नाम है अजीम फौजी, तो इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, इससे पहले भी एक रैली निकली थी 5 तारीख को, आज फिर से दोबारा एक रैली निकाली गई है, क्या लग रहा है कि कोई हल निकल के सामने आएगा? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज अगर ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ है और इतने लोगों को मालूम हुआ है तो ये आप लोगों की वजह से मालूम हुआ है। और ये प्रोटेस्ट अभी और भी आगे जाएगा और इनको जो न्याय है वो मिल के रहेगा, वो आप लोग के सहयोग से ही मिल सकते हैं। बाकी जो जनता आ रही है वो आप लोगों की वजह से हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो ये डॉक्टर रितु सिंह है ये फंड ले रही हैं, यहाँ पे राजनीति कर रही हैं। देखिए, जब कोई अपने हक की बातें करता है ना तो एलिगेशन बहुत सारे लगाए जाते हैं। आज मैं अपने हक की बातें करूँ ना तो मेरा भाई ही मुझे उल्टे ही मुझसे बोलेगा कि नहीं ये भाई मेरा गलत है, सगा भाई ना। सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है, राजनीति जो राजनीति कर रहा है वो इनके लिए बोल रहा है, क्योंकि ये राजनीति नहीं कर रही है, तो अपना न्याय मांग रही है। और हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये सही है। आपको लग रहा है मतलब ये जो रैलियां निकाली गई हैं डॉक्टर सविता रॉय को, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? जरूर पड़ेगा, इसके साथ में हमारे महमूद प्राचा साहब भी लगे हुए हैं, क्योंकि नहीं यहाँ से नहीं मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा। कानून तो इसके लिए, संविधान तो बनाया गया है, संविधान से मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा, ये न्याय मिल के रहेगा चाहे इसके लिए जितना लंबा जाए। लेकिन सरकार चाहे तो इस आंदोलन को अभी के अभी खत्म करवा सकती है। तो सरकार ही तो नहीं जा रही है, अगर ये सरकार चाहती तो आज इन सारी चीजें मिल चुकी होती। डॉक्टर रितु अपनी जगह पे होती और उनको न्याय मिलकर जो उन्होंने गलत किया वो कोर्ट जेल के अंदर होते। लेकिन ये कोर्ट सरकार खुद नहीं जा रही है, सरकार तो खुद इस पे राजनीति कर रही है। सरकार न्याय दिलवा पाएगी? 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। सरकार तो नहीं दिला पाएगी, मैं तो नहीं मानता कि सरकार अगर दिलानी होती तो 2 महीने नहीं खत्म होते। ये अगर ये तो अब हमारा संविधान और हमारा कोर्ट ही दिला सकता है, हमारा वकील महमूद प्राचा साहब भी करा सकते हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं वो खुद एक ओबीसी अपने आप को बताते हैं और कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए, बहुजन लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, उनके हित में काम करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं ना, वो देश के लिए गाते हैं। ये बताए ना, ये देशभक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त है। इनको सत्ता के लिए किसी के साथ भी कुछ भी करवा सकते हैं। मैं आर्मी से हूँ, रिटायरमेंट ले रखा हूँ, आपको बताऊँ सत्ता के लिए उन्होंने क्या कराया, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो ये सिर्फ सत्ता भक्त है, देशभक्त नहीं है। लेकिन अगर वो अपने लिए सिर्फ काम कर रहे हो तो इतने सालों से वो राजनीति में नहीं आए होते, मतलब इतने सालों से वो टिके हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, तभी तो जनता उनको चुन रही है। देखिए, जनता को बरगलाया जा रहा ना, जनता जो है उनको बरगलाया जा रहा है, इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब बेवकूफ़ बनी है जनता, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी 2024 में ऐसा नहीं होने वाला है। जनता को लग रहा है कि कुछ काम कर रहे हैं तभी तो वो चुन रही है। तो क्या काम कर रही है आप ही बताएं ना, मुझे तो ये नहीं लग रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, G20 के माध्यम से विदेशों में अपना डंका बजाया है उन्होंने। विदेशों में तो आप बताए ना, सिर्फ न्यूज में ही दिखाई देता, काम तो सिर्फ न्यूज में दिखाता, ग्राउंड में आपके जाके देखो ना। बिहार में बोलते हैं एम्स बना दिया, आपने कोई एम्स दिखाया क्या? बताएं आप, अगर एम्स बना वहाँ पे तो ये सब न्यूज में दिखाए जाते हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं दिखता। ये सिर्फ आप देखो ना, मीडिया के अंदर सिर्फ दिखाई देगा, जो गोदी मीडिया होगी, आप लोग जैसे हैं वो सच्चाई दिखाते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। आज आप यहाँ पे खड़े, एक भी नेशनल मीडिया नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है आप बताएं? नेशनल मीडिया यहाँ पे नहीं, आप लोगों की बदौलत आज सच्चाइयाँ देख पाते हैं। आज लोग न्यूज़ नहीं देखते, आप यूट्यूब पे देखते हैं सारी चीज़ें, उसमें सच्चाई दिखती है। जिस तरीके से इसराइल और फिलिस्तीन की बात करें, जो युद्ध चल रहा है उन लोगों के बीच में, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे जो एक बहुजन समाज की बेटी बैठी हुई इतने महीने से आंदोलन पे, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था क्या? तो ये देखिए बात, अगर यहाँ पे अगर सपोज चाइना और ताइवान से होता तो ये न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। आज इसराइल और फिलिस्तीन से हो रहा है ना, तो इसमें क्या इनको बांटने का काम होता। आज विकास का नाम कोरे का आप पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर देंगे,
आप विकास का नाम करेंगे हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देंगे। विकास के नाम पर, काम के नाम पर ये कुछ नहीं करते। आज ये सारी चीजें क्यों करी जा रही है कि 2024 का इलेक्शन, 2024 बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो आप देखें ना किसका विकास। आज देश का माहौल कितना नफरतों में बन चुका है, तो अगर सबका विकास और सबका साथ होता तो आज सबके साथ न्याय होता ना। आज डॉक्टर रितु के लिए क्या कर रहे हैं ये, अगर सबका साथ और सबका विकास था तो ये डॉक्टर रितु के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों नहीं इनके साथ न्याय हो रहा है। तो वो तो विकास करने में व्यस्त हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, राम मंदिर के ओनली अपना विकास, सिर्फ अपना विकास वो करने के लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ और बांटने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, यही करेंगे वो। तो आपको लग रहा है आपके हिसाब से वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? धर्म की राजनीति सिर्फ अपनी राजनीति अपने लिए करते हैं वो। सिर्फ वो सत्ता भक्त हैं, हमको मैंने आपको बताया वो सत्ता भक्त हैं, वो देशभक्त नहीं है। और जिस दिन देशभक्त हो जाएंगे वो सबके लिए काम करेंगे फिर। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है ना कि इजराइल फिलिस्तीन के वो दोनों के मतलब पक्ष में आ चुके हैं, एकदम किसी एक को लेके अब वो बात नहीं करते हैं। देखिए जब उनके पास प्रेशर बढ़ा, गल्फ कंट्रियों का प्रेशर बढ़ा, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया उन्होंने, पहले वो तो इसराइल का सपोर्ट कर रहे थे, आज वो ये कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है आज ये फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है फिर, जो बंदों ने आज प्रोटेस्ट किया था फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट किया। दोनों के पक्ष में किसी एक के उसमें नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो अब तो ये तो बताए ना, प्रेशर, जब प्रेशर आया है ना तो इस चीज़ को वो कर रहे हैं। आप गलत का वो कीजिए जो गलत कर रहा है। मेरा ये नहीं कहता कि मैं फिलिस्तीन का और इसराइल का मैं सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके साथ गलत हो रहा है ठीक है, आप उसका वो करें। लेकिन नितिन नेहाओ ने भी तो कह दिया है कि अब जंग नहीं रुकेगी, चलता रहेगा ऐसे। तो भाई अब वो तो बताया ना कि हिटलर भी कभी हुआ करता था, ताना शाह वो भी जो चाहता था वो करता था। तो जब आप इस तरह के, जब यूएन ने ये सारी चीज़ें उनके पास बोल दी, उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है वो नितिन, तो इसका मतलब है कि वो तो अंडर कंट्रोल। बताया ना कि कोई चीज़ें पागल हो जाता है, अगर कोई जानवर पागल हो जाता है तो इंसान वो किसी का काबू में तो नहीं आता ना, कोई कर नहीं पाता है, वो तो अपने मालिक को ही काट लेता है। तो वही हालत आज नितिन की, वो किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं है, वो किसी को भी काट रहे हैं। अभी लेबनान पे भी कर दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इराक पे भी कर, ईरान पे भी कर दूंगा। तो ये तो पागल होने का वो हो गया ना। आप किसी समाज में या किसी जगह पे होते हैं तो किसी, आप एक संगठन होता है उसकी बातों को समझना। यूएन अगर हमारा बना हुआ है, यूएन की बातें नहीं मान रहे हो तो मतलब आप अनकंट्रोल हो, सिर्फ आप अमेरिका की बातें सुनोगे तो ये तो भाई कोई बात नहीं हुई ना। किस तरीके से जिस जातीय जनगणना कराई जा रही है तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? सहमत हैं, क्यों नहीं, जातीय जनगणना हो चाहिए। तो आपको नहीं लगता आर्थिक तरीके से करानी चाहिए थी? जातीय जनगणना से एक तरीके से फूट डालने वाला काम हो गया जातियों के बीच में। नहीं ऐसी फूट तो, ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, ये तो देखिए जातीय जनगणना, जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। तो आप सहमत नहीं है? आप नहीं, जनगणना होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अभी आप कहते जातीय जनगणना सही है? नहीं सही है, क्यों नहीं, जनगणना होनी चाहिए, तभी तो मालूम होगा किसकी कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, वरना तो मालूम ही नहीं होता कौन कितनी हो रही है, किसको क्या मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण तो किसको दे रहे हैं, तो आरक्षण तो आप ओबीसी को दे दे रहे हो, इनको दे दे रहे हो, तो देखिए आप जो हकदार है उसको दिया जाएगा। कब होगा? जब जनगणना होगी तभी तो मालूम होगा, जाति जनगणना होगी तो मालूम होगा कौन इसका हकदार है। जनगणना होनी चाहिए तो तभी तो मालूम होगी कि कौन सा बंदा कितने लोग हैं ना। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए डॉक्टर रितु सिंह का ऐसे सड़कों पे बैठ के धरना देना, कहाँ तक सही है? ये सिर्फ बताया है ना, सिर्फ बोली है, सिर्फ वो बोलते हैं, करते कुछ नहीं। अगर करते तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, जुमले ही तो उनके जुमले, आज जुमलेबाजी की वजह से तो वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। मिश्रा जी का खुद बयान था जुमलेबाजी, इस पे कोई बड़ी बात नहीं होती, जनगणना होनी चाहिए, जनगणना ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसे हमने बातचीत करी और उन्होंने सभी मुद्दों पे हमें बताया कि जो जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन किसको ज़्यादा ज़रूरत है, आर्थिक रूप से किसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इनकी बात से कितना सहमत है हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहें जनेतवा।